सो व्हेन वाज द डेज जब आपने आईने में देख के कहा कि हां मैं बड़ा मैं बड़ा आदमी बन गया देखो अगर आप पैसे वाले एंगल से पूछोगे तो इट वाज इट हैपेंड इन 2008 9 10 इटसेल्फ एंड वंस आई रिमेंबर जैसे अगर आप मूवमेंट पूछे ना तो 2008 आई टुक माय मॉम टू सिंगापुर हां सो जैसे हम पांच लोग थे मैं मेरी वाइफ मेरा बेटा एक साल का मेरा ब्रदर और मेरी मम्मी जैसे तो हम पाँचों लोग थे और एक कंपनी कन्वेंशन के लिए हम सिंगापुर जा रहे थे तो रात को जनरली ग्यारह बारह बजे फ्लाइट चलती है दिल्ली से और सुबह पहुंचती है छः बजे के आसपास तो जब सिंग सिंगापुर की फ़्लाइट के लिए ना जब हम हमारे बोर्डिंग पास ले रहे थे और चेक इन करवा रहे थे तो जो लेडी वहाँ काउंटर पर थी तो मेरी मम्मी से पूछती है कि आप विंडो सीट लेंगी या आय ग्यारह बजे रात को आप कुछ भी सीट ले लो बाहर तो कुछ दिखने वाला है नहीं नो बट वो मेरी मम्मी बोलते हैं मैं विंडो सीट लूंगी तो ग्यारह की फ़्लाइट थी हम शायद साढ़े नौ दस बजे हम उसमें बैठ गए तो मेरी मम्मी विंडो सीट पे बैठी हैं माय वाइफ इज़ देयर विद मी माय सन इज़ देयर मेरा ब्रदर है तो ग्यारह बजे आप मानिए फ़्लाइट से जब टेक ऑफ हुई फ़्लाइट तब से मेरी मम्मी ने बाहर देखना शुरू किया होगा और जब तक फ्लाइट लैंड नहीं की वो सोई नहीं जैसे और पूरी रात हम उन्हें देखते रहे तो यू you नो know, अपनी माँ को बाहर लेकर जाना यू नो सिंगापुर एयरलाइंस में सिंगापुर उनको ले के जाना और जब जब वो बाहर देख रही थी ना तो जिस जिस इंसान ने मुझे कभी भी कुछ भी कहा था या किसी ने ताना मारा था या किसी ने कहा था ये नहीं होगा ये काम ख़राब होते हैं तुमसे ऐसा तुमसे वैसा तो मुझे वो पल पे लग रहा था यार कि इस एक पल के लिए मैं किसी की भी ना कितनी भी ना सुन सकता हूँ राइट आई कैन टॉलरेट एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन फियर डाउट हेजिटेशन और कॉमेंट्स और कुछ भी खराब मैं झेल सकता हूँ अगर उसके एंड में मैं मेरी माँ को वो दे सकता हूँ जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ देन आई स्टार्ट फीलिंग स्लोली कि बड़े होने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है राइट right? बड़े होने का मतलब है आप कितने सारे लोगों को अपने साथ कुछ ना कुछ दे के जा सकते हैं यू नो दैट डेफिनेशन ऑल्सो केप्ट चेंजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और अब कभी दस हज़ार लोगों का एक स्टेडियम है और मेरे बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ स्टेडियम में फ्रंट रो पे और जब उनके पापा स्टेज पे आते हैं और वो सारा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाता है ना यू नो दैट आल्सो यू नो दैट इज़ समथिंग दैट मनी कैन नॉट बाय एंड दैट प्राइड इन देयर इन माय चिल्ड्रंस आई लाइक यू नो ये हमारे पापा हैं यू नो एंड व्हेन दे सी दैट दिस कैन बी अचीव्ड इन लाइफ तो ये ऐसा लगता है कि पैसों से और बाकी सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है राइट right? एक क्वेश्चन मैं अक्सर पूछता हूँ सबसे इफ आई से वन थिंक कोई एक चीज जो आपको लगता है कि यस दिस इज़ माय वन थिंग जिसने मुझे लाइफ में बहुत हेल्प किया जिसकी वजह से मैं जहा हूँ ताकि दूसरे भी मे भी किसी के लिए भी वो एक वन थिंग एक लेसन बन सकती है सो वन थिंग विच यू वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल फॉर एनी क्वालिटी एनी स्ट्रेंथ ये बात भी मैंने मेरी नानी से सीखी मेरी नानी बोलती थी देखो जितना तुमसे उम्मीद की जाए और जिस काम के तुम्हें पैसे दिए जाए उतना करो लेकिन उसके बाद करो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपके लिए ये पैरामीटर बनने लगता है कि मुझे सामने वाले को वाव कराना है यू नो दैट इज वन थिंग दैट हैज कैप्ट मी गोइंग थ्रू आउट ये जो एक चीज है ना हम लोगों को ऐसा लगता है जिस दिन मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट वो काम मिल जाएगा ना उसमें मैं खेल कर दूंगा ये वाला काम तो मैं जबरदस्ती में कर रहा हूँ जो काम तुम्हें आज मिला है अगर उसको ईमानदारी से अच्छे से नहीं करोगे ना तो फिर तुम्हें भगवान कभी बड़ा काम करने का मौका ही नहीं देगा एक मैंने मेरी टीम में हमेशा सबको ये सिखाया कि तेरी टीम में चार लोग आए और वो चार तेरी मर्जी से नहीं आए थे यूनिवर्स ने गॉड ने तेरे पास वो चार लोग भेज दिए अगर उन चार को ईमानदारी से नहीं संभालेगा तो फिर तुझे चालीस कैसे मिलेंगे राइट सो right, so, भगवान तुम्हें एक बड़ी टीम तब देंगे जब तुम उस टीम को संभालने के लिए खुद को तैयार करोगे और जो वो छोटी सी टीम मिली थी तुम उसका ध्यान रखोगे तो जब हम एक्स्ट्रा करने लगते हैं ना दैट डज लाइक मैचिक इन आर लाइफ अपॉर्चुनिटीज चल के आती हैं प्यार चल के मिलता है लोग आपको दिलों में जगह देंगे लाइक uh, like, पैसे की कभी कमी नहीं होगी बट दैट एटीट्यूड यह काम आज मुझे मिला है सो देन आई शुड डू ए गुड जॉब ऑफ इट आई मीन If you ask me that one thing that kept me going in life is power of extra. Maybe you can say yeah. आप वो करिए जो करने की आपसे उम्मीद की जाती है और उसके बाद करिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा शायद आप लोग भी करते हैं यू नो अपनी फिलासफी yeah. में अगर किसी के बच्चे हैं वेन गो बैक टू children चिल्ड्रन एंड their फेसेस इफ यू क्विट वट your मॉम विल फील डैड विल फील आपके बच्चे क्या फील करेंगे और वो छः लोग जो आपको भरोसा करते हैं सो आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हिमेश अबाउट दिस इफ यू कम टू माई ऑफिस सम डे रिटर्न देयर If you don't work hard every single day and if you don't work for big dreams, it's an insult to those people who believe in you. जब कभी तू तो एक गोल के लिए काम करे और वो गोल पूरा नहीं हो रहा है hmm. तो गोल मत बदलना काम करने का तरीका बदलना मतलब हम सब लोगों को आदत डालनी चाहिए रेगुलरली हारने की मुंह के बल गिरने की राइट सो वी नो दैट हम भगवान नहीं है ऊपर भी कोई और चीज है और हम गलतियां कर सकते हैं और फेलियर जो सिखाता है वो कहीं और से नहीं आप इम्पॉसिबल राइट इम्पॉसिबल है कहीं और से सीखना तो तो जब से ये अंदर बैठाया हुआ ना कि फेलियर इज ए फीडबैक फेलियर हुआ मतलब ये वाले तरीके से बात नहीं बनेगी तो फिर प्लान बी सी डी ई एफ जी एच कर लेंगे